रखो नजर लक्ष्य पर, साधो सही निशान, सब बाधाएं दूर कर सफल बनाओ इम्तिहान, सफल बनाओ इम्तिहान, ले आओ रिजल्ट अब्बल, अवसर मिलेंगे अनेक, होगा भविष्य उज्जवल, होगा भविष्य उज्जवल। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। मित्रों, आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक खास चीज, खास बात, एग्जाम मोटिवेशंस। और ये इसलिए मैं लेकर आया हूं क्योंकि इस बार के एग्जाम बच्चों के लिए कुछ खास है। यहां मैं स्पष्ट तौर पर यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो आने वाली परीक्षाएं हैं, विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा मौका है, सुनहरा अवसर है, अच्छे स्कोर करने का, अच्छी डिवीजन बनाने का, अच्छी पोजीशन लाने का और अपनी जो है एकेडमिक्स इमेज सुधारने का। आप सब जानते हैं मित्रों कि दशकों से बोर्ड परीक्षाएं एक ही बार फाइनल रूप में हो रही हैं, लेकिन आज के हालातों में पहली बार ऐसा हुआ है जब बोर्ड परीक्षाएं दो सेमेस्टर में ली जा रही हैं। फर्स्ट टर्म हो चुका है और सेकेंड टर्म आने वाला है, तो विद्यार्थियों को एक प्रकार से सुनहरा मौका दोबारा फिर मिल रहा है, खास तौर पर उनके लिए जिन्होंने पहले टर्म में अच्छा स्कोर नहीं किया है। तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अच्छा स्कोर करने के लिए यह मौका बहुत शानदार है। वो कहते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो जानते हैं मित्रों क्या वजह है, ये मैंने ऐसा क्यों कहा है। पहली बात तो यह है कि इस बार जो फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं सेकेंड टर्म के, उनमें सिलेबस बहुत कम है। ऑलरेडी सरकार की तरफ से सिलेबस को पहले ही बहुत सारा पोर्शन डिलीट कर दिया गया था। चूंकि दो टर्म में परीक्षाएं हो रही हैं तो आधे सिलेबस का भी आधा है इस बार, तो बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे विद्यार्थी। कम पढ़ना होगा, लिमिटेड चैप्टर होंगे और उन्हीं में से तैयारी करके पूरा पेपर आना है। और दूसरी चीज यह है कि पेपर दो घंटे का है, कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पेपर डिजाइन काफी इजी है। और इसके साथ साथ एक चीज और है जो मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना के कारण स्टूडेंट को ऑफलाइन में पढ़ने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला है, और इस बात को सभी टीचर, सभी एक्सपर्ट्स, पेरेंट्स मानते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है उनकी पढ़ाई में बाधा पहुंची है। और यही कारण है कि इन सब के मन में, स्पेशली टीचर्स और चेकर्स के मन में, विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है कि हाँ, इन बच्चों को पढ़ने को ढंग से नहीं मिला और इनकी पढ़ाई का नुकसान हुआ। और उन विद्यार्थियों के लिए तो यह है फाइनल एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण है जो फर्स्ट टर्म में बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे। ठीक उसी प्रकार जैसे कि वनडे या T20 में आप देखते हैं, अगर एक ओवर में आपके रन बहुत कम बनते हैं तो फिर उससे नेक्स्ट ओवर में ज़्यादा रन बटोर कर उस नुकसान की भरपाई कर ली जाती है। तो विद्यार्थियों को लगभग यही करना है जिनके नंबर कम आए, कि अपना जो है नुकसान की भरपाई करें, कंपनसेट करें उस चीज़ को। और मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं विद्यार्थियों को, जो मैंने सॉफ्ट कॉर्नर की बात बताई है, जो मैंने इजी पैटर्न की बात बताई है, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आप पढ़ाई करना कम कर दें या छोड़ दें। नो, नेवर। पढ़ाई आपने उसी तैयारी से करनी है, उसी मेहनत से करनी है, उसी जज्बे से करनी है। मेरा यहाँ कहने का आशय सिर्फ इतना है कि आप कम पढ़ाई करके भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैं बल देना चाहूँगा इस बात पर कि आपको अच्छा स्कोर करना है। और मैंने जो सारी कवायद अब तक बताई है वो सिर्फ इसलिए बताई है, वो कहते हैं ना मौका मौका मौका, तो ये सुनहरा मौका है, इसका लाभ उठाइए और अपने स्कोर को बेहतरीन बना जाइए। और ये भी बताना चाहूँगा मैं आपको कि थोड़ी सी मेहनत करने पर कमज़ोर विद्यार्थी एवरेज में बदल सकता है, एवरेज स्पेशल में बदल सकता है, स्पेशल वेरी स्पेशल में बदल सकता है, और वेरी स्पेशल टॉपर्स में बदल सकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ी सी मेहनत की देर है, उसे अगर आप कर डालोगे तो आप याद रखोगे कि हाँ, कोई परसेंटेज आए थे इस बार। और अगर इस बार भी कोई विद्यार्थी रह जाता है, पास नहीं हो पाता है या उसके बहुत कम नंबर आते हैं, तो लोग यही कहेंगे कि ये तो कोरोना काल में ही पास नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। फिर लोग तो यही कहेंगे, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस एग्जाम्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, लापरवाही करते हैं, तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे।
और क्या परिणाम होंगे जरा मैं बता देता हूं, दो चार पॉइंट कि वो पहली बात तो आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा, और समय एक ऐसी चीज है जिसकी भरपाई जीवन में कभी नहीं हो पाती है। हर चीज का नुकसान पूरा किया जा सकता है लेकिन टाइम का नुकसान कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। और दूसरी चीज, जब नया सेशन अगले साल आएगा तो नए सेशन में सिलेबस पूरा होगा, आज की तरह आपको आधा अधूरा सिलेबस नहीं मिलेगा पढ़ने को, फुल सिलेबस होगा। और एक और संभावना है कि नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होने वाली है अगले सेशन से, तो अगर वो लागू हो गई तो सिलेबस तो पूरा हो गई होगा, किताबें भी नई होंगी, विषय भी नए होंगे, कंटेंट नए होंगे, कुल मिलाकर आपको आज की तुलना में 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके अलावा आप अपने साथियों से पिछड़ जाएंगे, आपके साथी आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूं कि आपका नुकसान ही नुकसान है अगर आप इन परीक्षाओं को, इस सुनहरे मौके को, इसका लाभ नहीं उठाते हो, अपना स्कोर अच्छा नहीं करते। और डियर स्टूडेंट्स, आप अगर समझदार हैं तो नींद से जाग गए होंगे, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, उठाओ किताबें और जुट जाओ। हमारे बड़े सियाने कह गए हैं कि नेक काम करने में कभी भी देरी नहीं की जाती है, जब जागो तब सवेरा। और मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये तो आंधी के आम है, ले जाओ, लूट लो, फायदा उठा लो। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे नंबर लाएंगे और मेरे लिए जो है बढ़िया रिजल्ट की, अच्छी डिवीजन की मिठाई तैयार रखेंगे। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप संप्रेषण वेदेशस पर नए हैं तो संप्रेषण वेदेशस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना जो है स्नेह हमें देते रहिएगा, हमें सोशल मीडिया, हमारी वेबसाइट, हमारे ऐप पर फॉलो कीजिएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपके लिए लगातार अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आने वाले। नमस्कार।